मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरह से मैडम जी ने बताया फर्जन फर्जन एक एक मिसाल के एक टीचर के बारे में, जो वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। और ये जिनके बारे में कहा कि जो पीटी करा रहे हैं वो कर रहे हैं, तो जब हम पढ़ते तो उसमें तो ऐसा काम नहीं था। भारतीय सिंह गुरुंग कमांडर में जा आया हमारे गाँव में, मैं बुजुर्गों का नाम नहीं जानता, और जो नाम उनके मशहूर हैं स्वर्गीय असामदार जी, स्वर्गीय जमेदार जी, और बड़े बड़े कंसेप्ट जो सफर लाया कि हमारे और नहीं उनका मुझे बताया, मुझे नाम नहीं, और उनका जो हनुमान जी तो बात ही नहीं, वो तो हम पढ़ते थे, उन्होंने पहला पंचायत घर बनाया और हमें पहली दफ़ा रोड स्पीकर और रेडियो सुनने को मिला। वो ऐसे आदमी थे कि भेदभाव के बगैर जो करता है मन में, भेदभाव के बगैर ऐसे प्यार से हमें समझाते थे, और उनके दौर में बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे। तो शुरू में ये स्कूल खोला, ये हमारे जाय साहब तैयार हुए हैं, ये हमारे से सीनियर थे। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो यही जगह थी, एक दरख्त था इधर बहुत बड़ा, अगर उम्र को क्या कहते थे हमारे पेड़ बहुत पढ़ता था, हम नीचे बैठकर पढ़ते। फिर जब हमें टार्ड मिला तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि टार्ड मिल गया। तकरीबन हमने छेवीं में जाकर हमें बेंच मिले, वो भी छेवीं वाले बच्चों को, बाकी सब बच्चे नीचे बैठते थे। तो यह है कि अब जो तरक्की हो रही है बच्चों की, हम जो ये बैठे हुए हमारे से वो भी पढ़े लिखे ज़्यादा भी होंगे, तो मैं ये तवज्जो करता हूँ कि मैडम जी जिस शौक से जिस जज्बे के तहत बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी ले रही हैं वो ऐसा ही लेता रहे, और इनका जो स्टाफ है ऐसी प्रभाव अपनी कारकर्दगी दिखाते रहे, वो दिन दूर नहीं है जब हमारा पूरे जम्मू में ये स्कूल पहले नंबर पर होगा। ज़्यादा ना कहते हुए जो उनके स्टाफ की हम सुनते हैं, खासकर प्रिंसिपल जो वाइस प्रिंसिपल साहब ने मतलब की है, इनकी एबसेंस में अगर ऑफिशियल का ड्यूटी जाती है वो काम मारती है, वो बहुत अच्छा काम करती है। बाकी है कि टीचर में तकरीबन सबको जानता